यहां पर रिटायर्ड मेजर को गर्दन, पेट और बाजू पर फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। चंद साल कबल 2013-14 में इसी गांव के नंबरदार मलिक बशीर को फायर लगे, जिससे वो कत्ल हो गया और उसका इल्ज़ाम इसी मकतूल पर था। कभी शुबा है कि ये उसी साबका तनाज़े, उसी साबका कत्ल की दुश्मनी का शख्साना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ न्यूज़ अलर्ट से अली अकबर। थाना सदर सराय आलमगीर का गांव मोजिया खुहार, जहां पर आज एक 62 साल शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और ये वो मुकाम है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये मेरे अकब पे आप डेरा देख रहे हैं। ये यहां पर एक मशहूर कुआं भी है, जिसको वसीम यूनस का डेरा कहकर इस मुकाम को पहचाना जाता है। ये मकतूल, जिनका नाम जाहिद मालूम हुआ है, और ये अपनी फैमिली को काफ़ी अरसे से इन्होंने रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया हुआ है, और इनकी अपनी जो रिहाइश है ये बिल्कुल गांव के मेन रोड के ऊपर ही है। ये आज अलाल सुबह यहाँ पर, यहाँ से चंद गज़ आगे, चंद कदम आगे इनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपनी मलकीती ज़मीनें हैं, जिनकी जानिब ये जा रहे थे कि जब इस मुकाम पर पहुँचे तो दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके इन्हें कत्ल कर दिया। एक फायर बताया ये जा रहा है कि इनकी गर्दन पर लगा, एक इनके पेट और तीसरा बाएं बाजू पर लगा, जिसकी वजह से मौका पर ही इनकी डेथ हो गई। जो इन्हीं का मुलाजिम आबद नामी है, उसने जब ये देखा तो उसने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और आकर नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें दो मुलजमान जो कि नामालूम हैं, और FIR में वजह अनाद ये बताई गई है कि साल 2013-14 में इसी गांव के नंबरदार मलिक बशीर, जो कि हमें मालूम हुआ है कि इसी मकतूल के मामू भी हैं, जे आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनमें कुछ तनाज़ा चल रहा था, जिसके बायस 2013-14 में फायरिंग करके वो जो नंबरदार थे मलिक बशीर साहब, उनकी टांगों में फायर लगे थे और वो उसे शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उस फायरिंग का इल्ज़ाम इन्हीं मकतूल जाहिद पे था, जो आज कत्ल हुए हैं। वो नंबरदार जिनको फायर लगे थे टांगों में, वो 6 से 7 माह के बाद इसी फायरिंग की वजह से ही वो भी फोत हो गए थे। वो भी इल्ज़ाम, वो भी कत्ल का इल्ज़ाम या फायरिंग का इल्ज़ाम जाहिद साहब पर लगाया जा रहा था, और इसकी ये प्रॉपर बताया ये जा रहा है कि इसकी बकायदा सज़ा काट कर आए हैं, यानी अभी इनमें कोई राजीनामा या वो तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, वो तनाज़ा अभी इनका चल रहा था। FIR में ये बताया जा रहा है कि मालूम ये होता है कि ये उसी कत्ल का ये शख्सान है। तो इन्होंने अपनी फैमिली को रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया हुआ था, और ख़ुद इधर सिर्फ ज़मीनों की देखभाल के लिए या ज़मीनें फ़रोख्त करने के लिए कभी कभार आते थे। अभी जो ज़राए से मालूम हुआ है वो ये है कि अभी 3 दिन हो गए हैं ये अपनी ज़मीन यहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए आए हुए थे, और आज इन्होंने पटवारी को बुलाया हुआ था निशानदेही करने के लिए या पेमाइश करने के लिए। जब आज अलाल सुबह ये पेमाइश करने के लिए इधर आ रहे थे तो ये सारा वाक़या पेश आ गया। मुलजमान जो थे वो फायरिंग करके वकूआ अंजाम दे के मौका से फ़रार हो गए। अभी पोस्टमार्टम भी हो चुका है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तहरक जारी रखे हुए है। पुलिस की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके ये मकतूल जो है इसके वरसा को तहफ्फुज़ फ्राहम किया जाएगा। मकतूल 5 बच्चों का बाप था, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। मजीद तफसीलात के लिए इनके घर की तरफ चलते हैं, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद अभी मकतूल की डेड बॉडी भी पहुँचने ही वाली है। वहाँ चल के इनके किसी करीबी अजीज से मिलते हैं और मजीद तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सर जी, मैं घर ही हाँ, मैं और ना उठा कौन आया मौजूद, मैंने किसी ने कॉल की है जिन्हें नाल गए मेजर साहब। अच्छा अच्छा, उन्हें कॉल की है, फिर मैं उठा गया था, फिर 15 तक कॉल की। अच्छा, तुसी 15 जी, ये पुलिस कितनी देर तक आ गई? तकरीबन आधे घंटे तक पुलिस आ गई। अच्छा, जिस वक्त ये वाकया होया है, को आगे पीछे दे बंदे नु को किसी ने देखा वेख्या होवे, मोटरसाइकिल ते सी बंदे किस तरह दा हुलिया सी पता जी? मोटरसाइकिल ते दस रहे ने, ए नहीं पता किस तरह दा हुलिया के है वे के नहीं, ए नहीं दस रहे बंदे, बंदे तेरे नाल उनां नु हुन पता के है वे के नहीं। मोटरसाइकिल ते आए और दो आए जा, दो है
अच्छा ये जड़ा पहला कत्ल होया सी फायरिंग नाल इना दा मलिक बशीर मामू है ओ आपस से रिश्तेदार ने जी जी मामू पांजा ने ओ मामू जी जी इना दा ओ तनाजा मुक गया सी या ओ चलदा ने ओ इना दा केस चलना पे उथे हाई कोर्ट विच ना तरीखा दा जाने चलो ते तुसी कितना अरसा तू इना दे नाल ही मेनू 15 साल हो गए 15 साल तू इना नु कितना अरसा हो गया पिंडी शिफ्ट करे अपनी फैमिली पिंडी दा शुरू पिंडी रहंदे ने फैमिली शुरू थी पिंडी या पिंडी रखी ना इत्था आमने माड़ी चंगी था बस और कोई इत्था नहीं कोई ना था बच्चे वगैरह सारे उठी जा बच्चे शच्चे पिंडी कदी कदार आमने सी थे कदा कदार बच्चे भी आमने आपू भी आमने कदा बच्चे आ जाने कदा आपू आ जाने अपनी राश केड़ी साइड है जिथे फूड़ी पई हुई है बाहर जा इथे रुकदे सी जी इथे रुकने हुन इना दा जेड़ी ये जगह पैमाइश वास्ते बुलाया सी इना ने पटवारी नु उनको उस जगह दा तनाजा वगैरह नहीं नहीं उस जगह दा कोई तनाजा नहीं उस जगह दा गए भी कोनी उस जगह दा मैं गया इस वाके का मुकदमा थाना सदर सराय आलमगीर की पुलिस ने दो नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। तर्जमान पुलिस का ये कहना है कि ये मकतूल जाहिद साहब हैं। ये 2013-14 में एक नंबरदार के टांगों में फायर लगने का मुकदमा दर्ज हुआ था, इकदामे कत्ल का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, उसमें ये नामजद थे और उसकी प्रॉपर ये सज़ा काट कर रिहा हुए हैं और उसकी रिहाई के बाद ये वाकया पेश आया है। अभी तर्जमान पुलिस का ये कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तहरक जारी है, जल्द उनको ट्रेस करके पाबंदे सलासल किया जाएगा और मकतूल के वरसा को तहफ़ फ्राहम किया जाएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।